चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन को, पर उससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट के एंड सीन में हमने देखा था कि हमारे चोर भैया सीरो अपनी बहुत देर से लगी हुई प्यास को मिटाने के लिए उस केमिकल वाले गाड़ी धोने वाले पानी को ही पी ले। चलिए अब आगे देखते हैं। एक चोर को चोरी करने की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। अब हम लोग देखते हैं कि 4-5 दिन जेल की तरह कार में कैद होने की वजह से उसके दिमाग पर भी असर पड़ा था। वो अपना पेट भरने के लिए कागज खाने लगा था। अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर का कॉल आता और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भूख लग रही है, तुमने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया, तो नीचे देखो डैशबोर्ड में कुछ चॉकलेट्स रखी है। हम देखते हैं कि सीरो वहाँ पर उन चॉकलेट्स को खाने लगता है, जिससे कि उसे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि वो अपनी फ़ोन की बैटरी निकाल कर डैशबोर्ड पर रख देता है जहाँ पर धूप आ रही थी, जिससे कि वो सोलर एनर्जी की वजह से चार्ज हो सके। हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जो बैटरी थी वो पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थी और वो अपने फ़ोन में उस बैटरी को लगाता है और अपने फ्रेंड पे फिर से कॉल करता है। और हम लोग देखते हैं कि उसके जो फ्रेंड थे वो उसकी कॉल को पिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि कार के अंदर भी फिर से सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब हमारे चोर भैया सीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है उस कार को स्टार्ट करने का। तो वो इंजन के स्टार्ट स्टॉप बटन को बार बार प्रेस कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर वो कार एकदम से चमत्कार हो जाता है और कार स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि वो कार को बैक गियर में लगाते हैं और पीछे दीवार में ठोक देते हैं, जिससे कि कार का जो बैक वाला विंडो था वो टूट जाती है और हमारे सीरो भैया कार से बाहर निकल आते हैं और सक्सेसफुली बाहर निकल आते हैं। वो अपना पेट भरने के लिए पेट्रोल पंप के पास एक कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पर वो 3-4 बर्गर को एक साथ ही ऑर्डर कर देते हैं, उनको खाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उसका केटरिंग बिजनेस का मालिक था। वो यहाँ पर उनसे पूछता है कि ये सब खाने से पहले तुम्हें बिल देना पड़ेगा, तो सीरो उसको गोली मार देता है जिससे कि वो खाना फ्री में खा सके। अब हम देखते हैं कि सीरो अपनी नींद से उठता है, हमें पता पड़ता है ये सब सिर्फ एक सपना देख रहा था। भाई मेकर्स ने भी कसम से क्या मूवी बनाई है, दिमाग का घोटाला कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीरो को जो था उसको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, वो चाहता था कि अपने आप को मार दे। वो अपनी गन को अपने ऊपर पॉइंट भी करता है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मार दे, क्योंकि उसके अभी यहाँ पर फैमिली भी थी। हम देखते हैं कि अब सामने एकदम से वही डॉक्टर आ जाता है जो कि इस मूवी का मेन विलन है। हम देखते हैं कि वो कार में बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर जो सीरो है उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। हमें यहाँ पता पड़ता है कि उस डॉक्टर ने ऐसी कार इसलिए बनाई थी ताकि उसके अंदर अब चोरी ना हो सके, क्योंकि उसकी जो चोरी थी वो बहुत बार हो चुकी थी, उसे बहुत बार लूटा जा चुका था। हम देखते हैं कि अब हमारे डॉक्टर साहब को एक कॉल आता है और वो कॉल में बिजी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सीरो अपनी गन को उनके ऊपर शूट कर देता है और अपनी कार से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़खड़ाता हुआ, लटकता झटकता, यहाँ पर रेंगता हुआ उस कार से बाहर आके थोड़ी सी दूर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे डॉक्टर साहब थे, इनकी जो मेन विलन है, वो अभी भी मरे नहीं थे, क्योंकि वो जो गन थी वो उनके ऊपर नहीं लगी थी। हम देखते हैं कि वो सीरो को मारते पीटते हैं, उससे गन छीन लेते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी पुलिस आ जाती है जो कि इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, डिफेंड करने की कोशिश करती है, पर हमारे डॉक्टर साहब जी तो नहीं मानते, क्योंकि वो थे भाई साहब अखंड गुस्से में। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो लड़की पुलिस उनके ऊपर गन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, पर वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये एक चोर है, उसने मेरी कार चुराने की कोशिश करी है। पर वहाँ पर जो लेडी पुलिस होती है वो उन्हें रोकने की फिर भी कोशिश करती है, वो एक कार के पीछे छुप जाती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और पुलिस वाले आ जाते हैं, कुछ न्यूज़ एंकर्स आ जाते हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे उस जगह की। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि यहाँ पर उस डॉक्टर से कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं, पर भैया डॉक्टर साहब तो मान ही नहीं रहे थे। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे वो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, डॉक्टर हो, तो आप इसे भूल क्यों नहीं जाते, आप इसे छोड़ दीजिए, ये पुलिस का काम है और आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। पर डॉक्टर नहीं मानते। हे गाइस, वेट, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर एनिम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जाके उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आपको जो एनिम की एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं आपको दूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कई बार चोरों ने लूटा, पर तब पुलिस कहाँ थी, आज मैंने अपने चोर को अपने ही हाथों से पकड़ लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं ही इसे सजा दूँ ताकि ये एक पूरा लेसन बन जाए इनकी थीफ कम्युनिटी में और कोई भी अब चोरी ना करे और पुलिस वालों को भी एक लेसन मिल जाए। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं उस क्राउड में, कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि चोर को छोड़ दिया जाए और कुछ लोग ये कहते हैं कि चोर को डॉक्टर जी मार दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है वो यहाँ पर और फोर्स करते हैं, पर वो डॉक्टर साहब फिर उस थीफ को छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि वो चोर अब पुलिस के कंट्रोल में आ जाता है और उसे पुलिस के स्टडी में ले लिया जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब अपने फ़ोन को एक टाइमर लगा के कार के ऊपर रख देते हैं और खुद कार में बैठ जाते हैं।
अब जैसे वो टाइमर पूरा होता है, हम देखते हैं उस कार में ब्लास्ट होता है, और हमें पता पड़ता है वो ब्लास्ट इसलिए हुआ था कि डॉक्टर साहब ने टाइमर लगा दिया था उस बम का, जो उन्होंने अपनी कार में पेट्रोल टैंक के नीचे फिट कर रखा था, जिसकी वजह से पेट्रोल टैंक फट गया और डॉक्टर जी मर गए। हम देखते हैं पुलिस को कस्टडी में ले लेती है उस थीफ को। हम देखते हैं कि जो थीफ था अब कस्टडी में आने के बाद अब वो भी बहुत ज़्यादा सुधर जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इससे इस पूरे समाज को, इस पूरे कंट्री को लेसन मिलता है कि पुलिस की वजह से, कि पुलिस ने कुछ भी एफर्ट्स नहीं करे थे उस थीफ को पकड़ने के लिए। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो डॉक्टर साहब थे उनको उस थीफ को मार देना चाहिए था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको खुद नहीं मरना चाहिए था, बजाय उनको उस थीफ को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। अब दोस्तों कुछ इसी तरह से यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही धमाकेदार मूवी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई कमेंट ज़रूर कर दो, क्योंकि मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, और मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपकी कोई भी क्वायरी हो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।